हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है फुल्की भटूरा और टेस्टी यम्मी छोले। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं और इसमें आज बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बनने वाला है। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द रेसिपी। तो छोले भटूरे में सबसे पहले हम डो का भटूरा को रेडी कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून नमक लिया है, 2 टेबलस्पून सूजी, 2 टेबलस्पून ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, इवन आप घी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून मैंने सोडा लिया है, बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून शुगर लिया है, चीनी, हींग लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप दही लिया है और 2 कप मैंने मैदा लिया है। अब डो को रेडी करते हैं। अब इसमें इस तरीके से बीच में होल कर लें। इसमें अब हम सबसे पहले सूजी ऐड करेंगे, नमक, चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, हींग। हींग मैं इसमें इसलिए यूज कर रही हूं, ऑयल में फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा ऑयली सा हो जाता है, तो ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है हींग, इसलिए मैं हींग को इसमें डाल रही हूं कि पाचन ठीक रहे। तो अब इस तरीके से बीच में एक बार और होल कर लेंगे, दही को ऐड कर देंगे, इसी में अब हम ऑयल ऐड कर देंगे। तो अब ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए, यहाँ पे दानेदार सा हमारा जो मैदा है वो रेडी हो गया है। तो अब ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे गुनगुने पानी का यूज करूंगी डो को तैयार करने के लिए। तो ये गुनगुना पानी है, इसको धीरे धीरे करके डालेंगे, एक साथ नहीं आपको ऐड करना है। अब ये जैसा आप देख रहे हैं कि आटे जो है वो चारों तरफ से एक साइड हो चुके हैं। अब इसको हाथों की हेल्प से कह सकते हैं, फिंगर टिप से कह सकते हैं, इसको अच्छे से सॉफ्ट गूथ लेना है और तब तक गूथना है जब तक कि आपका जो डो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाता। अगर आपको लगे कि आपका मैदा थोड़ा सा भी गीला हो गया है तो आप क्या करें, इस पे सूखा आटा को स्प्रिंकल कर दें और दोबारा से इस तरीके से गूथ लें। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये इस तरीके का दानेदार ऐसा हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, इसको आप स्ट्रेच करके इस तरीके से देखें, अगर ये फैल रहा है इट मीन्स कि आपका जो आटा है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब ये देखिए, ये हमारा जो डो है वो रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ से लगा देंगे। तो आप ये देखिए, इस तरीके का कोई भी मलमल का क्लॉथ लेकर इसको कवर कर दें और 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं। 4 से 5 घंटे हो गए हैं, आइए चेक कर लेते हैं कि आटा जो है हमारा क्या स्टेज पे है। तो ये देखिए, फूल के ये कितना हो गया है, इसका फर्मेंटेशन ये देखिए बहुत ही अच्छा हुआ है। बस अब इसको अच्छे से एक बार और इसको गूथ लेंगे हम लोग। आइए छोले को प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप काबली चना है, ये इसको छोले भी बोलते हैं, इसको मैंने ओवरनाइट सोकिंग के लिए रख दिया था। आप 7 से 8 घंटे भी इसको सोकिंग के लिए रख सकते हैं। ओवरनाइट सिंपल वाटर में मैंने वॉश करके इसको सोक कर लिया है। अब इसको हम कुकर में ऐड करेंगे, इसको मैंने वॉश कर लिया है, कुकर में ऐड कर दें।
अब यहाँ पे मैं कुछ कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, जैसे ये तेज पत्ता, दालचीनी, हरी इलायची, काली मिर्च और लौंग। तो इन सभी को मैं इसमें ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। तो पानी मैंने यहाँ पे तकरीबन इस कप से 2 कप ले लिया है। अ पिंच ऑफ सोडा, ये बेकिंग सोडा है, इसको ऐड करेंगे। नमक 1/2 टीस्पून। अब इस तरीके का कोई भी मसलन क्लॉथ या मलमल का क्लॉथ ले लें और ये सारे जो मसाले हमने लिए थे इनको इसमें डाल के इसकी एक पोटली से बना लें। इस तरीके से हम इसको बांध के इसकी पोटली बना लेंगे। इसमें इस तरीके से बंद कर लें और इसमें ट्रांसफर करेंगे। और ये देखिए, ये टी बैग है, आप चाहें तो इस तरीके का टी बैग को भी इसमें डाल सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ। अब इस बैग को मैं इसमें डाल दूंगी। तो हमने इसमें टी बैग नहीं यूज किया है, इसीलिए मैं इसमें 1/4 टीस्पून जितना हल्दी ऐड कर रही हूँ। अब इस प्रेशर कुकर को हाई फ्लेम पर गैस पे चढ़ा देंगे और 3 से 4 विसल आने तक का वेट करेंगे। छोले की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सूखे मसाले लिए हैं खड़े। जीरा 1 टीस्पून, 2 इंच का दालचीनी, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 काली इलायची, 3 हरी इलायची, यहाँ पे 4 लौंग लिया है मैंने, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, ये पत्थर फूल का छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने, ये जावित्री, और यहाँ पे मैंने 2 पीस 2.5 पीस मैंने बेलीफ लिया है। यहाँ पे मैंने 3 बड़े प्याज को इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। तो अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा पैन गर्म है, अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। तो कुकिंग ऑयल मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, उसी के साथ मैं घी का यूज कर रही हूं, तो घी भी 1 टेबल स्पून ही लेंगे। अब ये सूखे मसालों को हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। फ्लेम को स्लो ही रखना है और इस तरीके से रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम प्याज को ऐड कर देंगे। अभी फ्लेम को हाई कर लें। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। यहां पर मैंने सिंपली टमाटर का पेस्ट बना लिया था, उसको भी मैं ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लें अच्छे से। अब मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून जितना अमचूर पाउडर ऐड करूंगी, ये घर का बना हुआ अमचूर पाउडर है। नमक ऐड करेंगे और स्लो फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल रिलीज ना हो जाए। अब इसको ढककर 1 से 2 मिनट के लिए और भूनेंगे। आइए चेक कर लेते हैं कि छोले हमारे बॉईल हो गए हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आप लेक के और प्रेस करके देख लें। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये बॉईल हो चुके हैं। अब ये मसाले वाले पोटली को निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मसाले हमारे भून चुके हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जितना कसूरी मेथी ऐड करूंगी। अब इसमें बॉईल छोले को भी ऐड कर दें। आप चाहें तो इसके पानी के साथ ही इसको ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसको 1 से 2 मिनट तक इसको भून लेंगे। इसको ढककर पकने देते हैं मसालों के साथ। 2 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से भून चुका है, कलर भी परफेक्ट आया है। अब इसमें हम रफली चॉप्ड ग्रीन चिली ऐड करेंगे।
और यहाँ जो छोले का पानी था मैं उसको ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लें अच्छे से। अब इसमें हम हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स इट वेल अगेन। अब इसको फिर से पकने देते हैं एक मिनट के लिए। तो आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर ये आ चुका है। अब इसमें हम धनिया का पत्ता को ऐड करेंगे, तो हैंडफुल ऑफ धनिया का पत्ता इसमें ऐड कर दें। और ये देखिए यहाँ पे हमारा छोले भी बनकर रेडी है। आइए भटूरे की तैयारी करते हैं। तब ये देखिए अब इसके छोटे छोटे बॉल्स को बनाएंगे। सबसे पहले डस्ट कर लेंगे, तो सूखा मैदा ले लें, ऑल पर्पस फ्लावर। शेप आप अपने मनपसंद का दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ओवल शेप दे रही हूँ, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। तो ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पर तेल को गर्म कर लिया है। थोड़ी सी आटे को डालकर चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ये ऊपर उठ चुका है, तो तेल हमारा एकदम अच्छे से गर्म है। भटूरा को अब धीरे से इस ऑयल में डाल देंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे, हल्के हल्के प्रेस करते हुए। ये देखिए भटूरा हमारा फूल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे छोले भटूरा बनकर रेडी है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे न्यू नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।